ओके जी, अगेन वेलकम। तो अभी जो ड्रग्स हैं ना, अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जो भी डिजीज़ आ जाती हैं ना उनके लिए, तो ये वाला मिनी कैटजन के अंदर आई थिंक टेबल है ना, जिसके अंदर शॉर्ट एक्टिंग हो गया, फिर नॉन सेलेक्टिव और फिर डायरेक्ट एक्टिंग या इनडायरेक्ट एक्टिंग ना। आपको ये किसके अंदर शॉर्ट जो ना क्वेश्चन UQs, उनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी ना अस्थमा से रिलेटेड। बाकी रिस्पायरेटरी में पेपर आए ना, अस्थमा में से जारी बात है, बच्चे बच्चे को पता आना ही आना है। और लोग बाकी के स्किप करके इसको भी कर लेते हैं, सिर्फ इसको और उनका वो काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाता है। मैं ये नहीं रिकमेंड करता, लेकिन बाकी भी ज़रूर कीजिएगा। आप पास पेपर के ऊपर रिलाई करना ख़तरे में हो जाता है बंदा। जैसे जैसे पेपर आ रहे हैं ना, अभी आप फाइनल ईयर का गाइनी का पेपर देखें तो चीखें निकाल दिए उसने कसम से। ठीक है, तो पास्ट के ऊपर आप रिलाई करना कोई इतना इफेक्टिव नहीं है। पास्ट ज़रूर करना है, लेकिन मुकम्मल 100% उसी के ऊपर रिलाई नहीं करना। फिर जो ब्रोंकियो डायलेटर हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है ना, शॉर्ट एक्टिंग हो गया, लॉन्ग एक्टिंग हो गया, फिर एंटी मस्कुलिन हो गया, मिथाइल जेंथीन हो गया, और कॉर्टिकोस्टीराइड मतलब इनहेल्ड जो होते हैं ना, वो आपको पता होनी चाहिए ना। फिर स्ट्रेटजीज ऑफ अस्थमा थेरापीज जो होते हैं ना, कौन कौन सी थेरापी हम करते हैं। एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, मे मस्ट बी ट्रीटेड प्रॉम्प्टली एंड इफेक्टिव विद दी ब्रोंको डायलेटर हो गया, रिलीवर ड्रग्स हो जाते हैं। बीटा टू एगोनिस्ट हो गया, मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट हो गया, थियोफाइलिन हो गया। फिर बीटा एडिनोसेप्टर एगोनिस्ट में हमारे पास प्रोटाइप हो गया, फार्माकोकाइनेटिक्स आ जाते हैं, फिर मैकेनिज्म हो गया, फिर क्लिनिकल यूज एंड टॉक्सिसिटी हो गया, फिर मिथाइल जेंथीन्स के बारे में जो है ना आपको पता नहीं, प्रोटोटाइप्स और फार्माकोकाइनेटिक्स उसकी सारी की सारी ना। थियोफाइलिन का जो है ना MCQs बहुत ज़्यादा मैंने देखा गया है। किसके अंदर होता है ये, एक तो ये टी के अंदर होता है, थियोब्रामीन कोका के अंदर होता है, और कैफीन कॉफ़ी के अंदर होता है। तो ये मुख्तलिफ सिनेरियोज आपको बना के दे देंगे, वो आपको फिर मुश्किल होता है बंदे को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको ये खुद पढ़ लेना, ठीक है। इनहेबिट करता है फास्फोडाइज, इसका एक ना टेबल बना लेना ताकि आपको आसानी रहे। क्लिनिकल यूज़ एंड टॉक्सिसिटी और एंटी IgE एंटीबॉडीज़ जो है ना, वो ओमेलिजोम मैब हो गया, ठीक है, जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं इन ह्यूमन IgE। फिर अम्यूनोलॉजिक जो मॉडल होते हैं ना पैथोजेंस के अस्थमा के लिए, वो सारे के सारे। देन ये मिनी कैटजन का एज सच टेबल इन्होंने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास उसी के अंदर होगा, होपफुली आपने इसको कुछ ना कुछ तैयार कर लिया होगा। एंटीबॉडीज में ओ मैं वो हो गया, ठीक है। उसके बाद हाँ, रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो है ना वो ये जो जितने भी UQs हैं पास्ट के, वो आपके साथ यहाँ पे जो है ना वो शेयर कर दिए, ठीक है। फिर इसका जो है ना एट्रोपीन के साथ जो भी कंडीशंस आ जाती हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन जो है ना वो पास से ही सारे के सारे जो है ना पास्ट बुक से भी ये मिल जाएंगे सारे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।